क्या हाल है तुम्हारे? बहुत बुरे हैं हम लोग। रुको रुको, 5 सेकंड होते नहीं तुम वीडियो छोड़ के जाने लगते हो। पहले मेरी शायरी सुनो। 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनक्राफ्ट में लैग हो बार बार, इसलिए मैं क्लाइंट ला रहा हूँ लगातार। क्यों, कैसी लगी शायरी? अब थोड़ी तालियां भी बजा दो। माई तेरे को तालियां मिले ना मिले, पर गालियां एक दिन जरूर मिलेगी। आज किस वीडियो में आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 3 ऐसे क्लाइंट जो कि आपके लक को फिक्स कर देंगे एंड आपके FPS को आसमान तक लेके जाएंगे। एंड ये काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये सारे क्लाइंट्स आपको किसी भी YouTube चैनल पे नहीं मिलने वाले, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड क्लाइंट्स की डाउनलोडिंग आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। जो भी ये वीडियो देख रहा है, हर एक बंदा एक ना एक कमेंट करेगा, चाहे वो मेरी तारीफ करे चाहे वो अपनी तारीफ करे, पर कमेंट जरूर करेगा। एस्ट्रोइड क्लाइंट। सो इस क्लाइंट का UI आपको काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है एंड इसका खुद का UI है विथ डार्क मोड जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड आपको इसकी सेटिंग में क्विक सेटिंग मिल जाती है जिससे आप जल्दी जल्दी अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हो। इसमें आपको आउटलाइन नोट्स मिल जाते हैं एंड नो पार्टिकल्स, तो मैं अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूँ आपको पार्टिकल चाहिए या नहीं चाहिए। एंड इसका बॉर्डर ट्रांसपेरेंट है अंदर से, बाहर से मेरे को नहीं पता। यहाँ पे आपको एस्ट्रॉइड यूजर का नेम टैग मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा कूल लुक देता है। फुल ग्रास है, स्टॉप फायर है एंड इसका स्पाई ग्लास ट्रांसपेरेंट है। एंड इसमें आपको मोड मेन्यू मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, पर आपको यहाँ पे मोड मेन्यू का बटन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं जिन्हें आप खुद के हिसाब से कस्टमाइज ऑन या ऑफ कर सकते हो। डायरेक्शन रोड से आपको डायरेक्शन पता लगती है, आर्मर रोड से आपने आर्मर में क्या क्या पहना ये आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। एंड टोटम काउंटर, इससे आपको पता लगेगा आपने कितने टोटम पकड़ रखे हैं, नाम से पता लग जा रहा है कौन क्या करता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे क्रोसर मिल जाते हैं, इवन आप इसमें साइज भी चूज कर सकते हो, आपको छोटा चाहिए या मीडियम चाहिए या बड़ा चाहिए। एंड आपको इसमें 8GB क्रोसियर मिल जाता है एंड इसे तुम खुद भी ड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड आपको यहाँ पे फ्री के म्यूजिक भी मिल जाते हैं जिन्हें आप बजा के कुछ इस तरीके से नाच सकते हो। एंड अगर आप इस मोड मेनू को कट करोगे थोड़ा सा ग्लिच होता है, ये कुछ चलता नहीं है, तो आपको एक बार बैक चले जाना है एंड उसके बाद ये वाला कट वाला बटन दबा देना, देन ये ठीक हो जाएगा। सो यार इस क्लाइंट में इतना ही है। स्टार क्लाइंट, इसका UI काफी ज्यादा क्लीन और ट्रांसपेरेंट है जो कि काफी ज्यादा मस्त लगता है। क्लाइंट इसका खुद का टेक्सचर पैक है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पूरा एकदम सिंपल सा है जो कि 90% ऑफ द लैग खत्म कर देता है। एंड इसका टेक्सचर पैक मेरे को काफी ज्यादा क्यूट लगा। एंड लास्ट में तुम्हें सिनेमैटिक भी दिखाऊंगा, तो देखना। लव यू। एंड इस क्लाइंट की जो केप है मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी। एंड इसका जो केप है ना वो फिजिक्स एनिमेशन के साथ है। एंड इसमें भी वही फीचर है जो पिछले वाले में था, जैसे कि शॉर्ट शॉर्ट मिल जाती है, आउटलाइन और ट्रांसपेरेंट स्पाई ग्लास। एंड ये क्या है भाई, और ये ऐसी शक्ल क्यों बनाई? बाय द वे तुम इसका स्काई देखो कितना ज्यादा मस्त है भाई। इसमें आपको लो फायर मिल जाता है बट कलर चेंज है, और बाकी तुम सिनेमैटिक को एंजॉय करो। इस क्लाइंट को तुम लूनर क्लाइंट का अल्टरनेटिव भी कह सकते हो। क्यों? चलो बता देता हूँ। इसका UI तुम्हें लूनर क्लाइंट जैसा मिल जाता है, क्लीन और ब्यूटीफुल जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड इसमें जावा UI है और इसका खुद का UI मिक्स है जो कि इसके UI को काफी ज्यादा अच्छा बनाता है। सो इसमें आपको बस मोड मेन्यू मिलता है और ज्यादा कुछ है नहीं, तो अगर आपको अच्छा UI चाहिए तो आप ये वाली क्लाइंट की ओर बढ़ सकते हो। इसकी इन्वेंटरी काफी ज्यादा कूल है, मोड मेन्यू का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स कई सारी चीजें मिल जाती है जिन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आर्मर स्टेटस से ये पता लगता है आपने क्या पहना है, और पैक डिस्प्ले से ये पता लगता है आपने अपने वर्ल्ड में कौन सा रिसोर्स पैक लगा रखा है। एंड मेन वुड स्लॉट से ये पता लगता है कि वो आइटम है वो कितनी ड्यूरेबल है। फोर्स कोड से ये पता लगता है कि आप कौन से डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हो। एंड इसमें आपको और भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिन्हें आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। आपको सैचुरेशन चाहिए, गामा चाहिए, इफेक्ट चाहिए, आप ही अपने हिसाब से करना। एंड आपको इसमें कस्टमाइजेबल क्रोसियर मिल जाता है जो कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एंड हाँ, इसमें कोई गाना नहीं बजता, बस